मित्रों, तो मैं शॉप में आया था यहाँ पर अपनी लोकल मार्केट में, अपने फ्रेंड की दुकान में। तो यहाँ से मैंने एक बार्मर ले लिया अच्छा सा, तो बर्फ में काम आएगा ऊपर जब विंटर कैंपिंग करूँगा उसके लिए। तो ठीक है मित्रों, फिर अभी तक मैंने दूध भी लेना है ऊपर जाकर के शॉप से, और थोड़ा सा मैंने घर के लिए सामान लेना है। मिलते हैं फिर रास्ते में ही। यहाँ मेरा दूध फ्रिज में रखा होता है हर दिन, तो उसको लेते हैं अभी। तो ये आ गया 2 लीटर दूध मेरा, तो अब चलते हैं। तो भाई दूध अपना ले लिया है, अभी हम शगुन की कंप्यूटर क्लास में जाएंगे, वहां से उसको लेंगे और सीधे घर चले जाएंगे। भाई ये है हमारे यहाँ लोकल एरिया का प्राइमरी स्कूल, और ये सामने पंचायत घर, और ये जो येलो कलर की गाड़ी है इसमें लगी है शगुन की क्लास। तो इसमें बड़े और छोटे सभी सीख रहे होते हैं, 1 महीने का कोर्स है ये, मतलब एक बेसिक सा। तो टाइम होने वाला है 3 से 5 है शगुन की क्लास, तो 5 बज रहे हैं। तो इसके बाद इसको हम लेंगे और सीधे घर चले जाएंगे। और भाई ये सामने एग्रीकल्चर ऑफिस, जिसकी सुध लेने वाले ना सरकार है ना जनता है। जिस डिपार्टमेंट का ऑफिस इस तरह का होगा, तो आप समझ जाओ कि एरिया में एग्रीकल्चर की हालत कैसी होगी। बस इसी ऑफिस की तरह है, जो कि झाड़ियों से घिरा हुआ है और कंडम है भाई। तो शगुन का जो है टाइम ओवर हो गया कंप्यूटर सीखने का, तो अभी क्लास इसकी पूरी हो गई, तो अभी आएगी सामने ये रही, और इसकी सहेलियां भी हैं कुछ, और क्लासमेट भी हैं कुछ। चलो भाई चलते हैं, अब ये नेक्स्ट बच्चों की अभी बैच चलेगा इसमें। मित्रों तो घर जा रहे थे, तो जंगल में हमको लकड़ी दिख गई सूखी, तो इसको ले जा रहे हैं घर, और घर में तंदूर में जलाने के लिए, चूल्हे में जलाने के लिए, सर्दी को भगाने काम आएगी। तो घर में इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम जलाने के लिए। तो एक शगुन ने उठाया एक डंडा लकड़ी का, और एक मैंने, और कुछ ऐसा है। और भाई पीछे आपको दिख रहा है ये मौसमी का बगीचा है, इस बार चोरी हो गए सारे मौसमी, एक भी नहीं मिली। नींबू थोड़े बहुत मिल भी गए, बट मौसमी जो है पूरी चुरा ली गई, एक भी नहीं खाई गई हमने। चलो कोई नहीं। तो टाइम है अभी डिनर बनाने का, तो आज है मशरूम और पालक, तो बनाते हैं मशरूम और पालक। तो मैं आज अपने लोकल मार्केट से 2 पैकेट ले आया था, तो एक पैकेट अभी बनाएंगे और एक अभी बाद में बनाएंगे। तो ठीक है बनाते हैं अभी। तो भाई मशरूम को तो पहले तो आपको गर्म पानी में डाल लेने चाहिए, क्योंकि इसमें केमिकल स्प्रे होता है एक बेबी स्टीन। और इसको धोते भी हैं निकालने के बाद, बोरियों से निकालने के बाद, या जो भी खाद से निकालते हैं। कुल मतलब मेरा कुल मिलाकर बोलने का मतलब ऐसा है कि मशरूम बनाने से पहले गर्म पानी में धो लिया करो, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही रहेगा। कम से कम इनको हम 5 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। लो भाई मित्रों, तो मशरूम पूरी तरह से धुल गए हैं,
तो पहले प्याज काटते हैं फिर मशरूम काटेंगे। तो भाई जो भी हरी सब्जी होती है उसमें तो मैं टमाटर लगाता नहीं, इसलिए इसमें भी टमाटर नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसमें पालक ज्यादा पड़ेगा। ये मशरूम जो है गाइस ये शुगर पेशेंट और हार्ट पेशेंट के लिए रामबाण है। बाकी भाई मेरे में कहां कमी रह रही है वीडियो में प्लीज बताओ मेरे को, ये मुझे तो पता नहीं लग रहा है, आपके माध्यम से ही पता लग रहा है कि कहां कहां कमी रह रही है। मेरे भाई बताते हैं मेरे को तो मैं उनमें कुछ सुधार करना करता भी हूं और कोशिश कर रहा हूं कि वो गलतियां मेरे से बार बार ना होए। तो भाई लो जी हो गया प्याज भी और मशरूम भी। तो पालक मैंने उबाल करके पूरा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, उसे तड़का लगाएंगे और चपातियों के साथ इसको खाएंगे। मशरूम हमारे हाफ कुक हो गए, अब डालेंगे पिसा हुआ पालक। और भाई पालक की सब्जी बनानी हो तो लोहे की कढ़ाई में पूरा फायदा लेना हो पालक का, तो जैसे मैं पका रहा हूं लोहे की कढ़ाई में पैसे पैसे ही पकाओ। बाकी एल्यूमिनियम के बर्तन तो ये बीमारी के घर हैं। ठीक है मित्रों, तो आज के ब्लॉग में कुछ इतना ही था, तो आपके जो सुझावों के इंतजार में मैं रहूंगा, तो प्लीज कमेंट में अपने सुझाव देते रहें कि मेरे इस वीडियो में या इस चैनल में कहां कमी रह रही है कि ग्रो नहीं हो रहा है, तो प्लीज अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से मुझे दें ताकि मैं अपने इस वीडियो में या ब्लॉग्स में कुछ सुधार कर सकूं जो कि मुझे नहीं पता चल रहा है, तो आपके माध्यम से मुझे पता चलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।